तरह पिछली बार देखा गया था सर ऑक्सीजन की थोड़ी सी मारा मार थी सर, इस बार इसको लेकर क्या तैयारी सर? ऑक्सीजन के लेके अभी हमारे के ऑक्सीजन प्लांट जब है सब तैयारी हो रही है, जैसे कसरावद में तो अभी दो चार आठ दिन में आईसीयू प्लांट लग जाएगा, और बाकी अपने यहाँ पे भी खरगोन में भी पीसे प्लांट का प्लेटफार्म बन के कम्प्लीट है, सेट बन गया है। अब थोड़ा सा वही इक्विपमेंट आ जाए, मशीन जो आ जाएगी तो उसको इंस्टॉल कर देंगे। सर कितने दिन में सर तैयार हो जाएगा? 15 दिन में तैयार करने की बात थी, 15 दिन में तैयार करने की थी, लेकिन मांग बहुत ज़्यादा होने के कारण अपने यहाँ वो मशीनें वो आ नहीं रही मशीन। बाकी जैसे कि अभी कसरावद में पहले अपने मांग की थी, वहाँ पे एक कंपनी से, अच्छी वाली कंपनी से मांग करी है, तो वो अभी 8 दिन में उन्होंने लगाने को बोला है। बाकी महेश्वर में, बढ़वा में, ये भी यहाँ पे भी मशीनें आने की तैयारी है। क्या नाम है सर आपका? डॉक्टर DS चौहान, सिमेश्वर, फरवा। कोरोना की पहली लहर के बाद सरकार के द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं पर करोड़ों रुपए खर्च करने की घोषणा की गई, लेकिन जब कोरोना की दूसरी लहर ने अपने पैर पसारे तो सरकार द्वारा किए गए सभी दावे धरे के धरे रह गए। जिले भर में ऑक्सीजन की भारी किल्लत हुई, जिसकी वजह से कई मरीजों की जान पर बनाई। इसके बाद आनंद फानन में जिला प्रशासन द्वारा 1,80,00,000 रुपए की लागत से नया ऑक्सीजन प्लांट जिला चिकित्सालय परिसर में लगाने की घोषणा की गई, लेकिन जमीनी हकीकत आज कुछ और ही बयां कर रही है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ऑक्सीजन प्लांट तो शुरू नहीं हुआ, सिर्फ टीन शेड बनाकर छोड़ दिया गया। अब सवाल ये उठता है कि महज 15 दिनों में शुरू होने वाला ये ऑक्सीजन प्लांट आखिर 2 माह बाद भी क्यों शुरू नहीं हो पाया, जबकि दूसरी ओर विशेषज्ञ बता रहे हैं कि कोरोना की तीसरी लहर जल्द ही आएगी। अब ऐसे में लचर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का खामियाजा कि एक बार फिर मरीज अपनी जान पर खेलकर उठाएंगे। खबर मध्य प्रदेश से।